So, भाई आईको ने अपना आईको 12 लॉन्च कर दिया इंडिया में। जी हाँ, ये पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर आता है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3। एंड भाई स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 जो था लास्ट ईयर का एकदम फ्लैगशिप प्रोसेसर, वो प्रोसेसर इस S23 अल्ट्रा के अंदर आता है। अब मैं सोचा कि भाई जब एक साल का डिफरेंस है फ्लैगशिप प्रोसेसर की स्पीड में, कितना डिफरेंस आया है वो चीज चेक करनी है मेरे को। आज हम ना पूरा एकदम अच्छे से स्पीड टेस्ट करने वाले हैं दोनों फोन को साइड बाई साइड रख के, एंड देखते हैं भाई 8 जेन 2 से 8 जेन 3 में कितना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज अ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन आईको 12 एकेए स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 वर्सेस S23 अल्ट्रा एकेए स्नैपड्रैगन 8 जेन 2। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस ये है वो दोनों फोन। अब ये जो है S23 अल्ट्रा, लेकिन ये जो फोन है बेसिकली ऑलमोस्ट एक साल पुराना है। इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो भी ऑलमोस्ट एक साल पुराना है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2। लेकिन ये जो फोन है आईको 12, ये अभी ब्रांड न्यू फोन है एंड इसके अंदर अभी लेटेस्ट इसका अपग्रेड स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर आता है। लेट्स सी भाई पावर। सबसे पहले यहां पर हम बेंचमार्क देखते हैं। तो लेटेस्ट बेंचमार्क मैंने इस फोन के अंदर वापस से कर लिए हैं। भाई दोनों के अंदर UFS स्टोरेज आता है, लेकिन जो रीड स्पीड है ये इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 1.23 GBPS है इसकी, 775 MBPS है, लेकिन इसमें 512 GB स्टोरेज है, तो ये भी चीज याद रखना। लेकिन जब Geekbench का टेस्ट करा तो क्लियरली भाई स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में मल्टी कोर स्कोर काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट है भाई, 5300 से 6900 का स्कोर है भाई, जबरदस्त लगा मेरे को। उसके बाद भाई जब N22 रन किया भाई 500,000 से ज्यादा का स्कोर में डिफरेंस है भाई, ये 21 लाख का स्कोर निकाल रहा है N22 में, ये 14 लाख 15 लाख का स्कोर निकाला भाई, तो डेफिनेटली तगड़ा अपग्रेड तो है यहाँ पर कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 जेन 2। बाकी यहाँ पर मैंने 15 मिनट तक के CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया एंड जो एवरेज जिप स्कोर है वहां पर भी अच्छा खासा अपग्रेड है, एंड CPU थ्रॉटलिंग जो थ्रॉटलिंग है वो भी 87% है, यहाँ पे 85% है, तो भाई काफी बढ़िया स्टेबल प्रोसेसर है, बहुत ही जबरदस्त है भाई। बाकी देखो फोन के साथ साथ सारे एप्लीकेशंस भी कंप्लीटली अपडेटेड हैं आज की डेट के हिसाब से। दोनों फोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। लेट्स स्टार्ट आवर स्पीड टेस्ट विद इंस्टाग्राम 3, 2, 1। ओके, दोनों में सेम स्पीड पे खुला है भाई, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फेसबुक यहां पर हल्का सा आई थिंक सो S23 अल्ट्रा में फास्ट खुला है। एम इंडिकेटर यहां पर भी स्पीड सेम थी भाई। YouTube ओके, यहां पर हल्का सा आईकू जीता है भाई, बहुत ही जबरदस्त भाई। क्रोम यहां पर सेम स्पीड थी। Apple इंडिया की वेबसाइट लोड करते हैं भाई, यहां पर आईकू जीता है हल्का सा। एंड आईफोन 15 का बाय पेज ओपन करते हैं, यहां पर S23 अल्ट्रा में पहले खुला भाई। YT म्यूजिक सेम स्पीड थी ऑलमोस्ट। प्राइम वीडियो सेम स्पीड थी। एंड उसके बाद कैलकुलेटर सेम स्पीड पे खुला। ओला अच्छा, इसमें S23 अल्ट्रा जीता है भाई साहब। ऊबर यहां पर आईकू जीता है भाई। अमेजोन यहां पर भी आईकू जीता है। फ्लिपकार्ट यहां पर भी आईकू जीता है। एंड सीओडी मोबाइल, अब देखो बड़ा गेम है भाई, यहाँ पर एक आइडिया लगता है अपने को। ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरेज भी यहां पर टेस्ट हुआ था मेनली, तो देखो यहां पर पहले खुल गया आईकू में एंड यहां पर अब जाके खुला। नॉट बैड भाई। BGMI ओके, दोनों में काफी मतलब सेम स्पीड पे खुला है भाई, बहुत बड़ी बात है ये। सबवे सर्फर्स वाओ, यहां पर भी दोनों में सेम स्पीड खुला। ये बड़ी बात इसके लिए है क्योंकि ये S23 अल्ट्रा एक साल पुराना है भाई और ये ब्रांड न्यू है, उसके बावजूद भी ये इसके लेवल पे खुल पा रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई ये चीज। बाकी लेट्स सी काइनमास्टर ओपन करते हैं एंड यहां पर भी S23 अल्ट्रा पहले खुला भाई। S24 अल्ट्रा आएगा तो क्या होगा क्या मालूम। गाइस दोनों के अंदर हमने सेम 1080p 30fps वीडियो इंपोर्ट करके 0.5x स्लो डाउन करी है। फाइनल फाइल जो है 1080p 30fps में 10 Mbps के बिटरेट पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, 156 MB की फाइनल फाइल बनने वाली है। लेट्स सी द वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो रेंडरिंग 3, 2, 1 स्टार्ट। देखो ऊपर अल्ट्रा है नीचे आईक्यू है। वाओ भाई साहब, डेफिनेटली 8 जेन 3 जीता है भाई, 4 सेकंड के मार्जिन से यहाँ पर 8 जेन 3 ने बाजी मारी है भाई। नाउ लेट्स सी द रैम मैनेजमेंट गाइस। रैम में है, ये भी है, COD भी है, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, ऊबर भी है, ओला भी है, कैलकुलेटर भी है, प्राइम वीडियो भी है। इसका ऑडियो ही नहीं बंद हो रहा, देखो ये छोटे मोटे बग्स तो रहेंगे, होपफुली कुछ टाइम में ये सॉल्व हो जाए। प्राइम वीडियो, YT म्यूजिक, क्रोम दोनों में है, अभी तक ये सब ऐप दोनों में है, ये भी दोनों में है, एम इंडिकेटर भी है दोनों में,
फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है. तो बेसिकली रैम मैनेजमेंट दोनों का बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर, एंड आई रियली लाइक्ड इट. अगर ओवरऑल इस स्पीड टेस्ट का विनर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आई क्यू 12 है भाई. लेटेस्ट प्रोसेसर है तो यहाँ पर दिख जाता है कि भाई लेटेस्ट प्रोसेसर में पावर तो है, दमदार, मजा आ गया भाई. अब लेट्स सी, देखते हैं कि भाई जब S24 अल्ट्रा के अंदर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट के साथ में जब वो आएगा तब वो क्या लेवल का परफॉर्मेंस देता है वो मैं आप लोग के ऊपर अभी फिलहाल छोड़ता हूँ. आप अपना गैस बताओ नीचे कमेंट में. आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दोस कमेंट्स. So guys, जैसे आपने देखा भाई क्लियरली अब एक साल एडवांस प्रोसेसर है तो यहाँ पर जीतता भी यही है. बट आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड भाई. स्नैपड्रैगन जो है क्वालकॉम वाला बहुत तगड़ा काम कर रहा है. 8 Gen 2 भी बहुत ही ज्यादा बवाल, बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर था एंड उसके ऊपर इन लोग ने अपग्रेड करके ये वाला इतना बढ़िया 8 Gen 3 दिया है भाई. आई एम रियली रियली हैप्पी भाई. बहुत ही जबरदस्त दोनों भी प्रोसेसर थे बट डेफिनेटली 8 Gen 3 भाई बाप है यहाँ पर. मजा आ गया मेरे को यूज करके. बाकी इतना ही था वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी. पसंद है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. बाय बाय. We'll be right back.